नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप भसीन है और मैं निवेश में एज अ को फाउंडर और चीफ बिजनेस ऑफिसर काम करता हूँ। आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के पोटेंशियल के बारे में। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इंडिया में वैसे तो कई सालों से है, लेकिन पिछले कुछ 10 से 15 साल में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर काफी लोगों ने अपना निवेश करना शुरू किया है, जिसकी वजह से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बहुत फास्ट ग्रो कर रही है। पिछले 20 साल में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट या AUM या जितने लोगों ने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया है वो करीब 20% से हर साल बढ़ा है। अब हमें सुनने में लगेगा कि ये बहुत ही बड़ा नंबर है, लेकिन मैं आपको बता दूं, आज इंडिया में सिर्फ 3 करोड़ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं। तो आप सोचिए, 150 करोड़ की आबादी में सिर्फ 3 करोड़ लोगों ने ही म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया है। ये 2% है सिर्फ, जो बहुत ही कम है। लेकिन अब ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स जैसे फिक्स डिपॉजिट्स और दूसरे ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स से काफ़ी निवेशक नए ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं, जिसमें म्यूचुअल फंड्स एक बहुत ही अट्रैक्टिव ऑप्शन है। बहुत लोग म्यूचुअल फंड्स को एज अ प्रोफेशन भी देख रहे हैं, जहां पे वो म्यूचुअल फंड्स में एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर काम कर पाएं और म्यूचुअल फंड्स को अपने क्लाइंट्स को दे पाएं। अब एक सवाल ये आता है कि क्या म्यूचुअल फंड सेफ हैं आपको अपना बिजनेस बनाने के लिए, और क्या वो सेफ है आपके क्लाइंट के लिए। तो एक तो पहली तो चीज ये है कि म्यूचुअल फंड्स जो है वो बैंक्स की तरह रेगुलेटेड है, यानी बैंक्स को आप जानते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या RBI रेगुलेट करता है, उसी तरीके से म्यूचुअल फंड्स को SEBI रेगुलेट करता है। तो म्यूचुअल फंड्स कंप्लीटली रेगुलेटेड एंटिटी है। ये एक नॉर्मल कोई छोटी स्कीम की तरह नहीं है जहाँ पे कुछ लोग मिलके एक इंडस्ट्री चला रहे हैं, बट ये SEBI जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रेगुलेटरी बॉडी है उसके अंदर आते हैं। म्यूचुअल फंड्स के अंदर आप अलग अलग तरह के इन्वेस्टर्स जो बहुत ही जिनका लो रिस्क है, कम रिटर्न देख रहे हैं, या हाई रिस्क लेके हाई रिटर्न लेना चाहते हैं, उनको आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश करवा सकते हैं। जैसे ही इंडिया की पर कैपिटा इनकम यानी कि एवरेज इनकम जो एक इंडियन कमाता है बढ़ेगी, ऐसे ही म्यूचुअल फंड्स में और पैसा आएगा। 300 लाख करोड़ इंडियन हाउसहोल्ड वेल्थ है जो कि अलग अलग एसेट्स में आज पार्क है, कुछ बैंक्स में है, कुछ रियल एस्टेट में है, कुछ अलग अलग जगह पर है। उसमें से सिर्फ 15 लाख करोड़ इंडिविजुअल्स ने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया है। जैसे लोगों की एक एवरेज इनकम इंक्रीज होगी जो कि आज $2,000 पर कैपिटा है इंडिया में, वैसे ही म्यूचुअल फंड्स में निवेश और बढ़ेगा और इंडस्ट्री में और नए लोग ज्वाइन करेंगे। बट अब एक सवाल आता है कि आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कैसे ज्वाइन करें और इसमें आपके लिए क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं। आज के समय में अगर आप देखें तो टेक्नोलॉजी और डिजिटल का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस में। उसी तरीके से म्यूचुअल फंड्स में अगर आप अपने बिजनेस को बहुत तेजी से बढ़ाना चाहते हैं तो आपको टेक्नोलॉजी या डिजिटल को अडॉप्ट करना बहुत जरूरी है। निवेश एक अवार्ड विनिंग प्लेटफॉर्म है जो आपको मदद करता है आपके बिजनेस में टेक्नोलॉजी और डिजिटल की हेल्प से बिजनेस को एक अलग लेवल पे लेके जाने में और बिजनेस को इंक्रीज करने में। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, एंड मैं आपको ये बता सकता हूँ कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आप अपना बिजनेस करके काफी बड़ा बिजनेस बना सकते हैं और निवेश इसमें आपको पूरी तरीके से सहयोग करेगा। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बेल आइकन को क्लिक करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे देखते रहिए और भी इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़।